कुछ लम्हों को भूलते हुए तो कुछ लम्हों को याद करते हुए। आज हम ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रखते हैं, नाथूराम गोडसे। नमस्ते सदावत्सले, यह वही शब्द है जो नाथूराम गोडसे ने और नारायण आपटे ने फांसी होने से पहले लिए थे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं करना है तो मत कीजिए, पर वीडियो को आखिर तक प्लीज जरूर देखिए और सुनिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करें। हम आज के वीडियो में नाथूराम गोडसे के बारे में बात करने वाले हैं, जो पैदा तो पुणे में हुए थे जहाँ पर बंटवारे का कोई असर नहीं पड़ा, परंतु फिर भी बंटवारे की बात सुनकर और वहाँ हो रहे अपने भाई बहनों पर अत्याचार को देखकर उनका खून कुछ इस कदर खोला कि उसने ऐसा कुछ काम करने की ठानी थी जिसके बाद वह अपने एक हाथ में अखंड भारत का नक्शा, भागवत गीता और दूसरे हाथ में भगवा ध्वज देखकर हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़ गए और अपनी आखिरी ख्वाहिश में बताया कि उनकी अस्थियों को तब तक रखा जाए जब तक कि भारत अखंड भारत ना हो जाए और सिंधु नदी वापस भारत में शामिल ना हो जाए, उसके बाद ही सिंधु नदी में उनकी अस्थियों का विसर्जन किया जाए। असल में भारत को कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये हमारी भारत माता है, और अगर बंटवारे जैसी बात आ जाए तो ऐसे में जो कि वीर सपूत है भारत का, उनका खून कैसे नहीं खौलेगा। उसी भारत माता के एक वीर सपूत है जिससे यह बात अस्वीकार्य थी कि भारत माता का बंटवारा हो जाए। वह इस बात को भली भांति जानते थे कि वह जिस घटना को अंजाम देने वाले हैं, उस घटना को अंजाम देने के बाद उन्हें अपने प्राणों को त्यागने के साथ साथ लोगों की निंदा और तिरस्कार से भी गुजरना पड़ेगा। इतना जानने के बाद भी उन्होंने अपने मन में कोई संकोच न रखा और अपने काम को अंजाम दिया। तो दोस्तों, ऐसी क्या वजह होगी जिसके कारण नाथूराम गोडसे को महात्मा गांधी जी की हत्या करनी पड़ी? चलिए, ऐसे ही कुछ बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जब त्रिपुरा सेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मेजोरिटी से कांग्रेस की तरफ से प्रेसिडेंट के लिए चुना गया था, तभी गांधी जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने नेताजी को रेजिग्नेशन देने को कहा, और उनकी यह इच्छा थी वैसे ही हुआ। ऐसे ही आगे जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और कांग्रेस कमेटी की वोटिंग्स हुई, जहां भारत के पहले प्रधानमंत्री चुनने वाले मेजोरिटी वोट से थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उनको गांधी जी ने कहा कि आप अपने कदमों को पीछे लीजिए, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनकी इस बात को स्वीकार किया और भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी को बनाया गया। जम्मू और कश्मीर पर एक हिंदू राजा का राज्य था जिसका नाम था हरि सिंह। वह मुस्लिम पॉपुलेशन की संख्या वाला क्षेत्र था, इसलिए गांधी जी यह चाहते थे कि वहाँ का राजा एक मुस्लिम शासक हो, पर जबकि हैदराबाद जो कि भारत में था, वहाँ पर हिंदुओं की संख्या ज़्यादा होते हुए भी वहाँ का जो राजा था वह एक मुस्लिम शासक था, उसका नाम उस्मान अली खान था। पर फिर भी गांधी जी ने कभी भी हैदराबाद के राजा के खिलाफ कोई भी कड़ा कदम या विरोध नहीं किया था। जब भारत की बंटवारा हुआ तब हैदराबाद हिंदुस्तान में शामिल होने में असहमति दिखा रहा था, परंतु गांधी जी की हत्या के बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी चतुराई और अपने संघर्ष के साथ में हैदराबाद को हिंदुस्तान में शामिल करवाया है। ऐसे ही जब देश का बंटवारा होने वाला था तब गांधी जी इस बात का कड़ा विरोध कर रहे थे, पर जब 14 जून 1947 में देश के बंटवारे के प्रस्ताव को उन्होंने सपोर्ट भी किया था। गांधी जी अक्सर अपनी बात को मान्यता मिले इसलिए वे अनशन किया करते थे और उनकी बात मानी भी जाती थी। ऐसे ही 13 जनवरी 1948 को गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए, जहां पर उन्होंने दो मांगे रखी थी, जिसमें से एक मांग थी जो हिंदू शरणार्थी मस्जिदों में है उन्हें बाहर निकाल दो और मस्जिदों को मुस्लिमों को सौंप दो, और दूसरी मांग थी 55 करोड़ रुपये पाकिस्तान को दे दो। असल में सरदार पटेल ने 55 करोड़ रुपये होल्ड पर रखे हुए थे, क्योंकि वह जानते थे कि जब पाकिस्तान भारत से अलग हो जाएगा तो पाकिस्तान इसको भारत के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल करेगा। यहाँ यह दो मांगों को सुनने के उपरांत देश भर के कोई हिंदू नाराज हो गए, यहाँ तक कि जो हिंदू शरणार्थी पाकिस्तान से आए थे उन्होंने नारे लगाना शुरू कर दिया, गांधी मरता है तो मरे। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने के उपरांत गांधी जी की मांगे पूरी हुई थी। दोस्तों, ये वही दो कारण थे जिनसे नाथूराम गोडसे को गांधी जी पर गोली मारने का प्रस्ताव लेना पड़ा, और आखिर में 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी पर 3 गोलियां चलाई, जिसमें 2 गोलियां गांधी जी के शरीर से आर पार हो गई जबकि 1 गोली गांधी जी के शरीर में ही अटक कर रह गई।
उनकी मृत्यु के पश्चात भी गांधी जी के मरने के उपरांत भी नाथूराम गोडसे वहां से नहीं भागे, जबकि उन्होंने इस बात को कबूल किया कि गोली मैंने ही गांधी जी को मारी है। दोस्तों, आपके अनुसार गोडसे ने जो विचार थे वह सही थे या गलत थे, कमेंट करके हमें जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।